all those who don't know me, hi, my name is Khushbu and you're watching Khushbu Does Everything. If you're new to my channel, hit that subscribe button and welcome to the family. So, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है. आज मैं अपनी मामा और अपने भाई के साथ वीडियो बना रही हूँ. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी ट्राइंग वायरल वेयर फूड कॉम्बिनेशन. इसके बाद हमारा पेट खराब हो सकता है, सो कृपया करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे. सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट वेयर्ड कॉम्बिनेशन इज ओरियो पकोड़ा. आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील्स पे और शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा देखा होगा इसके बारे में. सो मैं आ गई हूँ अपना ओरियो लेकर एंड मुझे इस ओरियो के लिए बहुत दुख लग रहा है क्योंकि ओरियो मैं बहुत खाती हूँ. आई रियली लाइक इट. तो थोड़ा हमने ओरियो एंड दिस इज आर बेसन का मिक्सचर. हाय हाय, हमारा तेल गरम और मम्मी डालेगी इसमें पकौड़े. वी आर नॉट वेस्टिंग फूड, हमने सिर्फ ट्राई कर रहे हैं. सो यूजिंग वेरी लेस. ओह गॉड, ये आ गए हमारे ओरियो पलके. आई मीन ये ओरियो नहीं रहे, पकौड़ा बन चुका है. आ जाओ सेना, टेस्ट करो कैसा है. भाई ये तो सॉगी हो गया बिस्किट. चीयर्स. बढ़िया. मेरे को बेसन का तो टेस्ट आ ही नहीं रहा कहीं. हाँ. एंड अगर मैं उससे ले रही हूँ तो उसका मतलब अच्छे है. बड़ा वाला. सोचने में वेयर्ड था पर खाने में वेयर्ड नहीं लगा. सो ये इतना भी वेयर्ड नहीं था. आपको वेयर्ड लगा? आपको वेयर्ड लगा? वेयर्ड नहीं था यार इतना. सो द वेरी नेक्स्ट आइटम दैट वी हैव इज फैंटा मैगी. ओह आई मीन फैंटा मैगी. सो ओरियो पकौड़ा को ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टेस्ट पर लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार है क्योंकि हमें वो चीज़ बेकार नहीं लगी. और इसको ट्राई करते हुए लिटरली लोगों को देखा करते हुए बहुत बेकार है, ये है वो है. बट चलो ट्राई करते हैं इसको भी. आई विल बी यूजिंग हाफ मैगी क्योंकि हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे इसमें. उसको पूरी अच्छे से नॉर्मल मैगी बना के खा जाऊंगी. सो ये बन चुकी है हमारी फैंटा मैगी. दिखने में जैसे रामेन नूडल्स होते हैं ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी से होंगे, वैसे लग रहे हैं. बट हम सबको पता है कि इसमें फैंटा है तो ये स्पाइसी नहीं होने वाला है. सो हम इसको ट्राई करेंगे. आ जाओ साथियों. फैंटा थी शायद तभी. वाओ. आई थिंक वो जो लोग फैंटा मैगी बनाते हैं ना वो ज्यादा फैंटा डाल देते हैं, उसकी वजह से उनको ज्यादा स्वीट लगता होगा. बट दिस इज डिलीशियस, सो गुड. मैं एक्चुअली बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है. अगर आपने अमेरिकन चॉप्स ही खाई होगी तो वो जो क्रिस्पी क्रिस्पी सी होती है उसके ऊपर जैसी सॉस होती है ना, वैसा टेस्ट है. सो आई वुड आल्सो गिव इट अ थम्स अप. एंड द वेरी नेक्स्ट वी हैव इज आर गोलगप्पे. मैंने वीडियो देखी थी जिसमें लोग मरिंडा डाल के खा रहे थे एंड विच मेड क्वाइट अ सेंस टू मी कि मरिंडा ऑल्सो इज यू नो थोड़ा मीठा मीठा और मीठा पानी जो लोग मीठे गोलगप्पे खाने पसंद करते हैं. सो मरिंडा मुझे मार्केट में नहीं मिली, हमारे घर के पास तो नहीं मिली. तो हम फैंटा को वेस्ट ना करते हुए हम इसमें फैंटा ही यूज करेंगे. ये है हमारे चने एंड टूट पड़ो साथियों. आई मीन मुझे लगा था ये अच्छा होगा बट आई वोंट ट्राई इट अगेन. मुझे बहुत भारी याद था. कैसा लगा आपको? बहुत बेकार. और तुझे? भैया सेम में और बहुत गंदे थे. इसको बिल्कुल ट्राई मत करना. अपने गोलगप्पे जो गोलगप्पे वाले भैया पानी बनाते हैं उसके साथ ही करना. अब नेक्स्ट वी हैव इज गुलाब जामुन एंड दिस लुक रियली टेम्पटिंग. इनको ऐसे ही खा सकता है इंसान पर मेरे जो दिमाग के कीड़े हैं वो कहते हैं कि नहीं खुशबू, हम इसकी जगह इसका बनाएंगे गुलाब जामुन पराठा. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे एक्सपेक्टेशन है क्योंकि लोग
चीनी वाले परोंठे खाते हैं एंड शक्कर जो बिल्कुल लाइक यू नो क्रस्ट सी होती है उसकी परांठा खाते हैं एंड देन पीपल ईट गुड़ का परांठा. सो आई एम अज्यूमिंग कि ये अच्छा हो सकता है. दिस इज वेयर्ड लाइक क्वाइट वेयर्ड बट विल ट्राई इट एनीवे. कर दिया मम्मी ने गुलाब जामुन को क्रश और ये जा रहा है परांठे के बीच में. ये बन रहा है हमारा गुलाब जामुन परांठा. टू बी ऑनेस्ट इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है एंड वो लगता है लोग सोचेंगे लोग पागल वागल है क्या उल्टी सी चीजें खा के इनको अच्छी लग रही है. बट मैं सच बोल रही हूँ गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही. जो लोग कहते हैं फैंटा मैगी गंदी है वो झूठ बोलते हैं. फैंटा मैगी सच में अच्छी है. सो ये आ चुका है हमारा गुलाब जामुन परांठा एंड खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आई हैव एक्सपेक्टेशंस कि ये अच्छा हो. सो लेट अस जस्ट डिग इन. टू बी ऑनेस्ट ये अच्छा है, ये काफी अच्छा है. आपको स्वाद है यम्मी. सो जिन लोगों को गुलाब जामुन और पराठा खाना पसंद है दे कैन डेफिनेटली हैव दिस एंड दिस इज रियली डिलीशियस. सो द नेक्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू ट्राई इज कुरकुरे विद मिल्क. कुरकुरे और मिल्क का कोई वैसे वीडियो था नहीं, वहां पे चीटोस जो होते हैं ना वो बिल्कुल रेड वाले जो आते हैं वो मेरे को कहीं मिले नहीं, ऑर्डर करने पड़ते, फिर वेट करना पड़ता, इसलिए मैं कुरकुरे ही ले रही हूँ क्योंकि दे आर क्वाइट सिमिलर. सो हम डालेंगे इसको मिल्क में एंड देन वी हैव इट. लोग चौकोस खाते हैं ये कुरकुरे खा रहे. आपको अच्छा लगा? क्यों, क्या अच्छा लगा? थोड़ा डिफरेंट था. चौकस खाते हैं तो मीठा मीठा लगता है, ये ना मीठा था ना ज्यादा नमकीन था, कॉम्बिनेशन तो अच्छा था. I won't eat it again. I won't. Would you? Would you? Last. Nine. This is weird. ये आप ही खा लो. So the very next weird combination is मैजिक मसाला विद आइसक्रीम. आई हैव सीन पीपल हैविंग दिस बट मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है. सो मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड ये खाना पसंद करती है सो मैं भी आज ट्राई करके देखती हूँ ये एक्चुअली में कैसा लगता है. आ जाओ मेरे साथ क्यों, आ जाओ आ जाओ, निकालो अपना अपना एक लेस और उसको आइसक्रीम में डुबो के खा लो. 1 2 3 गो. यम्मी है. यम. लोग बोलेंगे हम पागल हैं बट दिस इज एक्चुअली वेरी डिलीशियस. देख के पता चल रहा होगा कि हम लोग तो बैठ के इसको दबा के खा रहे हैं ना. आइसक्रीम चाहिए. ये अच्छा है. आइसक्रीम लूंगा मैं. एक्चुअली द थिंग इज कि जो मैजिक मसाला का मसाला है वो आइसक्रीम साथ हम खा रहे हैं ना तो बैलेंस हो रहा है, लाइक ज्यादा तीखा नहीं लग रहा, ठंडा भी लग रहा है. और जिन लोगों को मेरी तरह मिर्ची खाने में प्रॉब्लम होती है तो एकदम बैलेंस बैलेंस हो रहा है ये. तो आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज गुलाबी चाय. एज आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फॉर मी गुलाबी चाय इज नॉट जस्ट पिंक कलर की चाय, ये मेरे लिए नून चाय है जो नमकीन होती है एंड इट्स डिलीशियस, वेरी गुड फॉर योर गट. बट मैंने वीडियो में देखा लोग गुलाबी चाय कैसे बना रहे हैं, वो गुलाबी चाय रू अफ़ज़ा से बना रहे हैं एंड चाय पिंक हो जा रही है एंड दैट इज गुलाबी चाय फॉर देम. मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत बेकार लगा एंड आई फील लाइक ये अच्छी होने नहीं वाली है क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ रू अफ़ज़ा. बट द वीडियो इज ऑल अबाउट ट्राइंग वेट फूड सो हियर वी आर मेकिंग गुलाबी चाय नाउ. और ये क्या चाय में रू अफ़ज़ा. ओह गॉड. हाँ ये पिंक हो गई. यस यस ये हो रही है. बस करो भाई कितना डालोगे. गुलाबी चाय. अरे गुलाबी लग रही है क्या, ज्यादा गुलाबी नहीं लग रही बट हाँ लग रही है गुलाबी. तो सो दिस इज नॉट लाइक वेरी पिंक क्योंकि हमने रू अफ़ज़ा इतना नहीं बनाया, हमने इतनी सी चाय बनाई थी तो उसमें हम कितना ज्यादा रू अफ़ज़ा डालते, डायबिटीज थोड़ी ना आती हमने खुद को. सो लग तो ऐसे नमकीन चाय रही है जिसका कलर नहीं निकाला गया अच्छे से. सो विल जस्ट ट्राई.
एक्चुअली में सीधा रूअफजा वाला दूध लग रहा है जो कि गर्म किया हुआ है. अगर ठंडा होता तो शायद अच्छा लगता, नहीं दूध में रूअफजा अच्छा लगता है. सो अभी हमने इसमें चाय पत्ती कम डाली है एंड चीनी हमने बिल्कुल नहीं डाली क्योंकि रूअफजा से बहुत ही मीठा होने वाला था. तो उसके बावजूद भी बहुत गंदी लग रही है मुझे. सो आई वुड गिव इट अ थम्स डाउन. बिल्कुल ट्राई मत करना. So yeah, we are done trying all the weird combinations that we wanted to try for today. And usme se mera favorite definitely hoga Fanta Maggi. Then definitely the second favorite would be chips plus ice cream bomb combination. I can have it and I would want to have it again. Jo bahut bekar tha, definitely gulabi chai, kurkure plus milk and golgappe, bahut bekar. Oreo pakoda, I won't eat that again. Mujhe itna acha laga. And gulab jamun paranta, I can have it but I won't go and make it. So jitne bhi humne weird food try kiye, agar aap ye sab try karte ho to please aage batana ki aapko kaise lage. And yeah, that is pretty much about the video. If you like the video, make sure you like it, subscribe to my channel and comment down below. Till then, bye.